अरे मोहित भाई हाँ गगन आगे। भाई बिल्कुल आगे। कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, बैठो बैठो। पीकेएल का आधे से ज्यादा सीजन हो गया जी, मात्र छः छः पाँच पाँच मैच बचे हैं सबके जी। एक काम करते हैं, रिव्यू दे दो सबका। जी बिल्कुल, रिव्यू देने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा गगन भाई, ये जो पीकेएल 9 सीजन है, ऐसा सीजन मैंने कभी नहीं देखा। जितनी इसमें ये पॉइंट टेबल्स में ये जो धमाकेदार मामला मचा हुआ है पॉइंट एक एक पॉइंट को लेके, तो एक काफ़ी मतलब ऐसा सीजन मैंने पहली बार देखा कि टीम इतने मैच खेल चुकी है सारी और क्वालिफाई अब तक कोई नहीं हो पाया। ऐसे एक चैलेंज भी आपको दूं जो आपको किसी ने नहीं दिया जी? बिल्कुल, टीम का रिव्यू करना है जी, मगर आपको दूंगा सिर्फ 30 सेकंड एक टीम को। जी बिल्कुल, हम रेडी हैं इस चीज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं लगा देता हूं यहां पे टाइमर जी, आपको दूंगा मात्र 30 सेकंड और शुरू हो जाइए। पहली टीम, पहले करते हैं टॉप सिक्स जी। चलिए पहली टीम पुनेरी पल्टन जी। पुनेरी पल्टन एक पूरी पैक टीम है, फैजल आने के बाद पुनेरी पल्टन का एक वास्ता तो बहुत बढ़ गया है और एक अच्छी टीम की तरह खेल रही है। रेडिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग है। पुनेरी पल्टन अभी टेबल नंबर एक पे चल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है मेरे को, और ये टाइटल की हकदार हो सकती है। क्या बात है, 21 सेकंड में दिया है। दूसरा टीम वो है हमारी बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु बुल्स जितने खतरनाक कोच है उतनी खतरनाक टीम है। टीम अच्छा खेल रही है, भरत अकेले राइडिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। विकास कुंदोला का मैं बोलूँगा कि वो साथ इतना नहीं दे पा रहे हैं भरत का, लेकिन डिफेंस अपना बखूबी काम कर रहा है और एक नीरज नरवाल है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब एक टीम गेम की तरह टीम खेल रही है, लेकिन विकास कुंदोला की परफॉर्मेंस मेरे को नज़र नहीं है इस सीजन। तो बेंगलुरु बुल्स भी दूसरे नंबर पे है और काफ़ी अच्छी टीम है। क्या बात है, 27 सेकंड। दूसरी तीसरी टीम हमारी जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर के जो हाल है ना भाई, एक अर्जुन देसवाल को लेके, अर्जुन देसवाल एक टीम अकेले ही राइडिंग डिपार्टमेंट में धमाल कर रहे हैं और डिफेंस की तो तारीफ करनी बनती है। जैसे पुनेरी पल्टन का डिफेंस खेल रहा है वहीं जयपुर पिंक पैंथर का डिफेंस वैसे ही खेल रहा है और ये टेबल नंबर 3 पे है। ये तीनों टीमों का जो मैंने बताया है, ये तीनों टीमें जब भिड़ेगी जो टक्कर होगी वो मैच देखने लायक होगी जी। अर्जुन देसवाल पे एक पॉइंट बोलूंगा, पिछला मैच यूपी के अगेंस्ट वन साइडेड मैच, अर्जुन देसवाल 19 पॉइंट जी बिल्कुल। क्या बात है, 30 सेकंड एग्जैक्ट। अगला जाते हैं हम अपनी प्यारी रोहित भाई की फेवरेट यूपी योद्धा जी। यूपी योद्धा की बात करूं मैं, स्टार्टिंग में यूपी योद्धा ने अच्छा काम नहीं किया, प्रदीप ने अच्छा काम नहीं किया, टीम वर्क नहीं हो रहा था, नितेश और सुमित काम नहीं करते, डिफेंस काम नहीं कर रहा था। जैसे ही प्रदीप कैप्टन बने, सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल दोनों ही खुल के चलने लगे और नितेश और सुमित की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है। टीम अब तक जूझ रही थी, लेकिन प्रदीप के परफॉर्मेंस आने के बाद टीम बिल्कुल नहीं जूझ रही है और ये टॉप 4 में अब तक की बनी हुई है। आज जैसे इनके मैच हो गए देखने के लायक हो गए। क्या बात है, बिल्कुल 30 सेकंड। और यहाँ पे अगला जो है हमारी पांचवी टीम तमिल थलाइवाज। तमिल की बात करूँ गगन भाई, तमिल की टीम ऐसी टीम थी, जब सीजन स्टार्ट हुआ पवन सहरावत को इंजरी थी तो हमें नहीं लग रहा था कि पवन कौन संभालेगा टीम को, लेकिन जैसे ही कोच आए दूसरे तो टीम एकदम परफॉर्मेंस करने लगी। दबंग दिल्ली को हरा दिया, हर एक टीम को हरा दिया, अब तो डिसाइड करने लगी हर एक टीम के साथ कि हम आपको हराएंगे। लेकिन नरेंद्र और सागर जो डिफेंस है टीम का वो काफ़ी अच्छा, और नरेंद्र कुंदोला बिल्कुल अच्छा और एक परफेक्ट राइडर के तौर पे, एक यंग प्लेयर के तौर पे नजर आ रहे हैं हमें। क्या बात है, 27 सेकंड। और अगली जो हमारी आखिरी टीम है टॉप 6 की वो है हमारी प्यारी पटना पायरेट्स। गगन भाई पटना पायरेट्स की बात करूँ मैं, पटना पायरेट्स स्टार्टिंग के 5 मैच हार के आई थी और जैसे ही दिल्ली को हराया वहाँ से पिकअप जो लिया है पटना पायरेट्स ने, बड़ा काफ़ी अच्छा पिकअप था। कोच के बारे में आप भी पता है मेरी और नेगी सर की कितनी बहस होती है कोच को लेके पटना पायरेट्स के, लेकिन पटना पायरेट्स के शादलू ने कमाल किया है, रिकॉर्ड बनाया है। सचिन, हमें एक लास्ट एक मैच में देखा था कि सचिन की कितनी ज़रूरत है टीम को, और सचिन की जरूरत, सचिन आते ही टीम ने बैकअप किया, तो सचिन और शादलू की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल 30 सेकंड मोहित भाई। तो ये थी मोहित चिल्लर की जुबानी टॉप 6 टीम्स का रिव्यू, वो भी 30 सेकंड में। मोहित भाई मज़ा आया जी? बिल्कुल मज़ा आया, और आप भी ये वीडियो देख के आप भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपकी टॉप टीम कौन सी है और क्यों, और कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट देना। मोहित भाई 6 टीमों का तो हो गया, वो भी टॉप 6, बॉटम 6 का भी दे ही दो जी। बिल्कुल, मगर बॉटम 6 का एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं जी। हमारी फेवरेट टीम तेलुगु टाइटंस। चलिए रेडी, 3, 2, 1 और स्टार्ट।
गगन भाई, तेलुगु टाइटन ऑन पेपर बहुत अच्छी आई थी, कि जो प्लेयर आए थे ऑक्शन में लिए थे मंजीत छिल्लर ने, काफ़ी अच्छी टीम थी ऑन पेपर, लेकिन तेलुगु टाइटन के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। तेलुगु टाइटन लीग में 12वें नंबर पे बनी है और बनी ही रहेगी, क्योंकि अब तेलुगु टाइटन के पास कुछ ऐसा बचा नहीं है। तेलुगु टाइटन की टीम अब हाल फिलहाल काफ़ी अच्छा डिफेंस और सिद्धार्थ बाहुबली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये 12वें नंबर पर बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी जी। फिर अगली आती है हमारी गुजरात जायंट्स। नए कोच के साथ, रामेर सिंह के साथ गुजरात जायंट्स आई थी, मेरे को भी लगा था कुछ नया होगा, क्योंकि तीन टाइटल जितवा के आ चुके हैं पटना पायरेट्स को। लेकिन गगन भाई, गुजरात टाइटन की हमने जैसे बात की है आपने प्री मैच में या डिस्कशन जो भी की है, तो हमें लगा था गुजरात जायंट्स एक अच्छी टीम है, यंग प्लेयर भी है, सारे प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, लेकिन गुजरात जायंट्स इतना अच्छा नहीं कर पाई और रामेर कोच साहब अच्छा नहीं करवा पाए इसके लिए, और क्योंकि चेंजिंग ज़्यादा हो रही है टीम में जी। अगली टीम है हमारी वन ऑफ द फेवरेट टीम ऑफ हमारे रोहित भाई, हरियाणा स्टीलर्स। गगन भाई, हरियाणा स्टीलर्स देखो टीम काफ़ी अच्छी है, मंजीत बड़े बड़े चेहरे हैं, जोगेंद्र है, काफ़ी अच्छी टीम है, कवर्स भी अच्छे हैं, कॉर्नर्स भी अच्छे हैं, लेकिन टीम जो उछाल मानना चाहिए था जिस हिसाब से टीम खेल रही थी वो नहीं खेल पाई है। पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस की कमी है या कॉम्बिनेशन की कमी है, मेरे को भी टीम में समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमी हो रही है, किस वजह से हार रही है हरियाणा स्टीलर्स, इसलिए आज वो 10वें स्थान पर बनी हुई है। चलिए, 10वें स्थान पे हमारी हरियाणा है, मगर 9वें स्थान पे है हमारी बंगाल वॉरियर्स। गगन भाई देखो, बंगाल वॉरियर्स का अब भी वो 9वें स्थान पे है, लेकिन कह नहीं सकते, जब मनिंदर चलते हैं तो पावर हाउस की तरह चलते हैं, गिरी शरणागर अच्छा खेल रहे हैं, बाकी सुरेंद्र नाडा भी है टीम में, और मनिंदर का साथ देने वाले श्रीकांत यादव भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो टीम अब भी 9वें स्थान पे है, और ये हम अपना रिव्यू कर रहे हैं जो अब हाल फिलहाल टेबल पे है 9वें स्थान पर, बंगाल वॉरियर्स से मेरे को उम्मीद ज़्यादा है जी। बंगाल से खैर सबको उम्मीद है, आपको है, मुझको है, प्रीतम भाई को है, रोहित भाई को उम्मीदें हैं, मगर अगली जो टीम है उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, वो है हमारी यू मुंबा। 8वें स्थान पे बनी हुई है यू मुंबा, और मेरे को लग रहा है गगन भाई, यू मुंबा की शुरुआत धीमी थी, लेकिन जो मिडल फेस आया, जो यू मुंबा पिकअप लिया, एक गुमान सिंह को इंजरी थी तब भी, और गुमान सिंह इंजरी से लौटे तब बहुत अच्छा पिकअप लिया, यंग प्लेयर को साथ यू मुंबा ने काफ़ी अच्छा टैलेंट दिखाया था, लेकिन एक एक्सपीरियंस ना होने के कारण जो लास्ट की फिनिशिंग है वो अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि हमने 2 मैच में लास्ट में देख लिया, इसलिए 8वें स्थान में बनी हुई है, ये कुछ ना कुछ कर सकती है जी। बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकती है, और ऐसे ही कुछ ना कुछ करने वाली एक और टीम जो हमारी बची है, जो 7वें रैंक पे, वन ऑफ द फेवरेट आपकी, इसके लिए तो 40 सेकंड ले लो, 40 सेकंड दिया आपको है नजर जी। गगन भाई, दबंग दिल्ली एक अच्छी टीम है, नवीन जो स्टार्टिंग सीजन हुआ था जब 9 अपने 5 मैच जीत के आई थी, लेकिन पटना पायरेट्स ने इनका जो जीत का वो इनका रथ चला हुआ था वो रोक दिया था। दबंग दिल्ली में कमी आई सिर्फ डिफेंसर की, क्योंकि नवीन एक्सप्रेस आशु और ने काफ़ी अच्छा काम किया था, विजय मलिक भी आ गए हैं, और डिफेंस में अब जो कोच साहब ने बदलाव किए हैं वो काफ़ी अच्छे बदलाव है अमित उड्डा और संदीप डुल के साथ, यही एक्सपेरिमेंट, यही टीम अगर पहले खिलाई जाती, शायद पटना से हारने के 2 मैच हारने के बाद खिलाई जाती, तो गगन भाई कुछ ज़्यादा कुछ कर सकती थी और दबंग दिल्ली हमें टॉप 6 में देखने को मिल सकती थी। ये काम कमियाँ होने के कारण इसलिए आज ये दबंग दिल्ली 7वें स्थान पे है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, क्योंकि ये वन आपकी फेवरेट टीम है बिल्कुल, और मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताने वाला चाहता था इस टीम के बारे में, तो वो मैंने बता दिया जी। बिल्कुल आपने बता दिया है, और ये हमने बता दिया है हमारी 12 टीमों का रिव्यू अब तक का। अब आगे जो भी मैचेस होंगे वो तो खैर पॉइंट टेबल पे आपको दिख ही जाएगा, कौन सी टीम ऊपर जाएगी, कौन सी टीम नीचे जाएगी, मगर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं आएंगे जी। गगन भाई, एक बात और बोलना चाहूंगा फिनिशिंग करने से पहले, मैं बोलना चाहूंगा अब भी जो मैच है, ये हमने जो हाल फिलहाल के मैच हुए 16-15 मैचों के उनका रिव्यू किया है, लेकिन टेबल पे काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी हम 3 टीमें बोल सकते हैं जो टॉप 6 में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो तो 100% जा रही है, लेकिन 3 टीमों में घमासान मचा हुआ है कौन सी टीमें जाएगी। ये टेबल हमने आज की जो सिचुएशन है वो देख के बनाई, बिल्कुल बिल्कुल, और ये जब भी अभी मैच होंगे आगे के जो, उसमें काफी जोर शोर होने वाला, और बदलाव जहां नहीं होता है वो है हमारा खेल रहा हूं टीवी, क्योंकि हम आते हैं रोज 6:30 बजे किसके साथ, मैं प्रीतम चिल्लर, मोहित चिल्लर और रोहित बालियान सर के साथ, कहां पर, बोल कबड्डी खेल कबड्डी सीजन 2, रोज 6:30 बजे देखिएगा जरूर जी। बिल्कुल, और देखिएगा जरूर, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, 1 मिलियन का टारगेट है वो भी पूरा कीजिएगा, और आपको यहां या फिर यहां पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, फॉलो जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए बोल कबड्डी खेल कबड्डी सीजन 2।